आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने आज चार्जशीट दाखिल कर दी। 6000 पन्नों की चार्जशीट में कुल 39 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में जो बड़े नाम है वो हैं दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, एस श्री संत, अंकित चव्हाण, अजीत चंदीला। सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और मकोका के तहत धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में कहा दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील स्पॉट फिक्सिंग को कंट्रोल करते थे। दुबई से दाऊद इब्राहिम का काम जावेद चौटानी देखता था। आशीष सारस्वत, इंडिया टीवी। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के मामले में एन श्रीनिवासन को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की रिपोर्ट को अवैध करार देते हुए खारिज किया। कोर्ट के फैसले के बाद एन श्रीनिवासन की मुश्किल बढ़ गई है। रिपोर्ट में श्रीनिवासन को क्लीन चिट दी गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने पूरी जांच नए तरीके से करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी गैर कानूनी है और बीसीसीआई के संविधान के आधार पर नहीं है। बीसीसीआई एक नई कमेटी गठित करे और उसके सभी सदस्यों के बारे में कोर्ट को बताए। गुरुनाथ मैपन और राज कुंद्रा की भी दोबारा जांच की जाए। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में कहा गया था कि स्पॉट फिक्सिंग में मैपन और राज कुंद्रा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। सूत्र बताते हैं कि बीसीसीआई की कमान एक बार फिर से एन श्रीनिवासन के हाथ में देने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। सितंबर महीने के आखिर में होने वाली बीसीसीआई की मीटिंग में इस पर फैसला भी होना था। आशीष सिंह, इंडिया टीवी। मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते टला। जेटलाइट के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। दिल्ली से मुंबई जाने वाली इस फ्लाइट में 114 यात्री सवार थे। सुबह 10 बजे विमान ने जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरी, पायलट को इंजन में खराबी का पता चला। पायलट ने बिना वक्त गवाए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। ठीक 30 मिनट बाद विमान को मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर उतारा गया। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। पायलट ने समझदारी दिखाई, वरना एक जरा सी चूक बड़े हादसे की वजह बन सकती थी। राजीव सिंह, इंडिया टीवी। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में चला ममता बनर्जी का जादू। 17 में से 13 जिला परिषद की सीटों पर टीएमसी का कब्जा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति के नतीजों में भी टीएमसी आगे चल रही है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस सीपीएम को मुंह की खानी पड़ी है। नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिमी बिंदापुर में दीदी की पार्टी ने अपना परचम लहराया। यही नहीं, ममता ने लेफ्ट के किले में भी सेंध मारी है। हावड़ा, बीरभूम, हुगली और उत्तरी 24 परगना जिले में तृणमूल ने अच्छी जीत दर्ज की है। राजनीति के पंडितों ने पहले ही टीएमसी के पक्ष में भविष्यवाणी कर दी थी और नतीजे भी इसी बात की तस्दीक करते हैं। अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, कोलकाता। आईसीसी ने किया 2015 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के कार्यक्रमों का ऐलान। 14 फरवरी से शुरू होगा क्रिकेट का महाकुंभ। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलकर करेंगे मेजबानी। 44 दिनों तक चलने वाले इस विश्व कप में 49 मैच खेले जाएंगे। सभी मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 14 शहरों में आयोजित होंगे। 14 टीमें वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी, जिन्हें दो पूल, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा गया है। हर पूल में 7 टीमें हैं। हर टीम अपने पूल में 6 मैचें खेलेंगी। पूल की 7 में से 4 टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला 15 फरवरी को एडिलेड में खेला जाएगा, जबकि 14 मार्च को जिम्बाब्वे के साथ भारत का आखिरी लीग मैच ऑकलैंड में होगा। ग्रुप ए में जो टीमें हैं वो हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, जबकि ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, आयरलैंड। अमेरिका के फ्लोरिडा में गैस प्लांट में धमाके, कई लोगों के मारे जाने की आशंका। एक स्थानीय अखबार के मुताबिक पहला ब्लास्ट रात करीब 11 बजे हुआ और फिर लगातार एक घंटे तक प्लांट में ब्लास्ट होते रहे। हादसे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। खतरे को देखते हुए प्लांट से 1 मील दूर तक के इलाके को खाली करवा दिया गया है। ब्लास्ट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लपटे शांत होने के बाद ही मामले की तफ्तीश हो पाएगी। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी। मुंबई में फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन, फिल्म के प्रमोशन का गाना शूट किया गया। इस प्रमोशन शूट में इमरान खान और सोनाक्षी सिन्हा रेट्रो लुक में नजर आए।
इस मौके पर दोनों ही कलाकारों ने लोगों को ईद की बधाई भी दी। आप सबको हमारी ओर से वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के पूरी टीम से ईद मुबारक। ईद मुबारक। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन 15 अगस्त को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा इमरान खान के अलावा इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। वसीम अख्तर, इंडिया टीवी, मुंबई।